हेलो भाइयों, ए के हेयर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई, विजय मेहर साहब के न्यू बिग कॉन्सेप्ट की एडिटिंग का ट्यूटोरियल आपके सामने हाजिर है, जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे कहा था कि मुझे 2-3 दिन लग गए, काफ़ी हार्ड कॉन्सेप्ट था। तो भाई, हम भी बड़े चौड़े होकर इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा के आ गए कि हाँ भाई, 2 बजे वीडियो आ जाएगी। लेकिन जब हम वर्क में घुसे तो हमारी नीचे से फट गई। क्यों फट गई? क्योंकि भाई बहुत हार्ड वर्क था। लेकिन मसला, ज़रूरत आपको टेंशन लेने की नहीं है, ईजी कर दिया इसको। बिल्कुल आसान तरीके से सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और बहुत ही अच्छी। लेकिन आपको ये वीडियो समझनी पड़ेगी, थोड़ा मतलब ऊपर नीचे है। तो यहाँ पर पिक्सआर्ट के अंदर हम 2 दफ़ा इस फोटो को खोलेंगे। देखो, बैकग्राउंड से जैसे खुली हुई है एडिटिंग के अंदर, तो आपने बिल्कुल एंड तक वीडियो को वॉच करना है, तभी आपको सब चीज़ें समझ आ पाएंगी। तो ठीक है भाई साहब, बहुत ही बड़ी एडिटिंग होने वाली है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करना है। और इंस्टाग्राम पर भाई आप लोग नहीं फॉलो करते, भाई ये मसला नहीं किया करो, इंस्टाग्राम पर आप लाजमी फॉलो कर लिया करो। एक भाई को लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, बहुत मज़ा आएगा वहाँ पर। तो हम वीडियो की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले आपको पोज दिखा देता हूँ। तो मैं पोज जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, सेम टू सेम आपको नजर आ रहा है। तो भाई सिंपल क्या है, नंगे हो गया, पता ही हमारे बच्चे का क्या सीन है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। बस थोड़ा हो गया, जैसे तैसे पोज आ गया। तो देख लो, आपके सामने पोज जो है सेम ऐसा पोज खिलवाना है। लिंक आपको पोज के नीचे मिल जाएगी। टेंशन नहीं है, डोले शोले नहीं है, तब भी पोज खिंचवा सकते हो आप। ठीक है, तो पोज के बाद हम अपने बैकग्राउंड को खोलेंगे पिक्सआर्ट के अंदर। साहिब, हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो पिक्सआर्ट के अंदर खुल चुका है। बैकग्राउंड फुल HD के अंदर है। बैकग्राउंड वगैरह के लिंक आपको नीचे मिलेगी, आपने डाउनलोड कर लेना और गूगल ड्राइव में मिलेगी। डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप जब मेरी मतलब जाओगे वहाँ पर खोलने के लिए, तो वहाँ पर आपको एक ऐड नजर आएगा। स्किप ऐड आप उसको कर देना 5 सेकंड बाद, तो आपके सामने जो है PNG खुल जाएगी। ठीक है, बैकग्राउंड खोल लेने के बाद सिंपली आप आगे आओगे, ऐड फोटो नजर आ रहा है, ये रहा। ऐड फोटो में जाने के बाद सिंपली आपने कर लेना है मॉडल की फोटो को यहाँ पर ऐड। तो मैं ऐड कर लेता हूँ मॉडल की फोटो को, यहाँ पर ऐड कर लिया है। ठीक है, देन इसका बैकग्राउंड मैंने पहले से इरेज कर रखा है। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक, वहाँ से जाकर आपने वीडियो वॉच कर लेनी है कि कैसे बैकग्राउंड करना है इरेज। अब गौर से देखना, जैसे मैं कर रहा हूँ सिंपल ऐड, वैसे ही आपने मॉडल को यहाँ पर भाई ऐड करना होगा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा यूँ टेढ़ा कर देना, ताकि ऐसा लुक लगे कि मतलब इसका पाँव वहाँ पर ये घुटने समेत बैठा हुआ और ये पीछे की तरफ मतलब बिल्कुल ज़्यादा गिर रहा है। क्योंकि भाई तुम्हारे नीचे ऊपर मैं थप्पड़ तो इतनी है नहीं कि मतलब बिल्कुल ही नीचे अगर पोज क्लिक करवा लो। तो देखो मैं जैसे स्टाइल दे रहा हूँ, सेम टू सेम सब चीज़ें नोट करना, स्टाइल देखना कैसे मैंने यहाँ पर इसको बिठा दिया। ठीक है, बिठा देने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, इतना बड़ा कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा छोटा करेंगे, नीचे की तरफ ले आएंगे। ठीक है साहब, ये देखो इस तरीके से हमारा मॉडल जो है वो ऐड हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद सिंपली आप क्या करोगे, आप रेजर में आ जाओगे। रेजर में आ जाने के बाद आपने क्या करना है, ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, देन ऑपोजिट को थोड़ा सा माइनस पर ले जाना और नीचे की तरफ से इसको कर लेना है इरेज। ठीक है, जैसे मैं इरेज कर रहा हूँ, सिंपल पूरा इरेज नहीं करना, देखो मैंने कैसे इरेज करके किया है। ठीक है, आपके सामने इरेज किया है, कुछ ना कुछ एरिया भी बाकी है। ठीक है, उसको भी हम यहाँ से हल्का हल्का इरेज कर दें। ठीक है, इतना ही रेस करना है आपने, ज्यादा नहीं करना, क्योंकि ऐसा लुक देना है भाई साहब आपने कि यहां पर आपका मॉडल जो है वो बैठा हुआ है घास के अंदर। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने हमारा मॉडल ऐड हो चुका है। अब हम कर देते हैं डन। डन कर देने के बाद मैं आपको यही वाला जो बैकग्राउंड होगा उसी को हम दोबारा ऐड करेंगे। क्यों करेंगे बताता हूं मैं आपको। ये रहा हमारा बैकग्राउंड, ये आ चुका है। इसको ऐड कर लेने के बाद इसके ऑपोजिट को डाउन कर दोगे आप, और मतलब पहले फुल कर लो, इसको बड़ा कर लो। बड़ा कर देने के बाद ऑपोजिट को डाउन करो, और ये जो घास वाला एरिया ना, इस घास वाले एरिया को आपने अपने मतलब आप जो फोटो ऐड करोगे उसके पाँव के पास आपने इसको रखना होगा, जैसे मैं रख रहा हूँ सिंपली। उसके बाद जब यूँ रख दोगे आप, उसके बाद आप रेजर में जाओगे। ठीक है, ऑपोजिट को थोड़ा बढ़ा के रेजर में जाना। रेजर में जाने के बाद क्लियर, और क्लियर पर जाने के बाद ब्रश सेलेक्ट करके आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ यहाँ पर घास का पार्ट मतलब एरिया भर देना है जहाँ पर आपका पाँव होगा। इससे क्या लगेगा, इससे एक ये लुक लगेगा कि आपने यहाँ पर मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पर घास के अंदर बैठे हुए हो। बोला क्यों नहीं जा रहा है कि भाई यहाँ पर बिल्कुल आप घास में बैठे हुए हो, देन बहुत ही बढ़िया लगेगी, इससे आपकी फोटो फेक नहीं लगेगी भाई। ऑपोजिट को आप इसके रख देना 55% तक। ठीक है, डन कर दोगे। डन कर देने के बाद अब आ जाता है मेन स्टेप जो है यहाँ पर बंदा मारने का। तो मैं बताऊँगा कि भैया आज आप एडिटिंग के अंदर बंदे को कैसे मार दोगे। तो सिंपली सबसे पहले मैं आपको एक रोज की PNG होगी जिसको आपने कर लेना होगा 3 दफ़ा ऐड। हाँ भाई, तो मरना बंदा मारने के लिए हम हैं बिल्कुल तैयार। तो रोज़ की PNG आ गई है 3 दफ़ा। 3 दफ़ा लाने के बाद क्या करना है भाई, देखो सबसे पहले तो थोड़ा सीन ये है कि आपने तीनों PNG को थोड़ा थोड़ा करके काटना होगा। पहली PNG हम जब लगाएंगे तो यहाँ से मतलब जो लाइनें वाइनें आ रही होंगी उसको हमने काटना होगा, जैसे मैं काट रहा हूँ। और हो सकता है ये वीडियो भाई साहब लंबी हो जाए क्योंकि वर्क है थोड़ा ज़्यादा। तो बिल्कुल ही मतलब अच्छे तरीके से समझना, ये नहीं कि 4 बोतल आए वोडका खाए और भाई चलो भाई क्या हो गया समझ ही नहीं आ रहा। अगर समझोगे तो आएगा, देन बहुत ही बढ़िया एडिटिंग है। और फिर तो जिसका ब्रेकअप हुआ तो उसके लिए तो भाई साहब बिल्कुल ही मतलब अब मैं क्या बोलूं कि मतलब बहुत ही आला एडिटिंग है। तो अब यहां पर सबसे पहली वाली को इसको हम साइड पे कर रहे हैं, और सबसे पहली वाली को छोटा करके देखना मैं कैसे लगा रहा हूं। गौर से बिल्कुल सुनना बात को कि कहां पर लगाना है। सबसे पहले तो आपको अपने सीने के पास ये वाली पहली PNG को लगाना है। ठीक है, थोड़ा छोटा करना है फ्लावर को, रोज को छोटा कर देने के बाद सीने की PNG पे भाई इसको लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूं सिंपल। देखो कैसे लगाया मैंने, सिंपल ऐसे लगा दिया। जब आपने थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दोगे आप, थोड़ा सा यूं कर दोगे ताकि ये ऐसे लगे ऊपर की तरफ से आ रहा है, थोड़ा सा यूं कर दोगे आप, थोड़ा सा
बिल्कुल यूँ, उसके बाद आपने इसको सीने की तरफ लगा दिया, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर दोगे और यहाँ पे ले आओगे, देखो ये आपके सामने सीने की तरफ लग जाएगा। उसके बाद आप जाओगे रेजर में, अब बिल्कुल गौर से देखना, ऑपिसिट को डाउन कर दोगे और यहाँ पे आने के बाद साइज को छोटा कर देने के बाद यहाँ से बिल्कुल हल्का हल्का इरेज कर दोगे, ठीक है, जैसे मैं इरेज कर रहा हूँ, और यहाँ से हल्का हल्का ले आओगे। इससे मतलब क्या लगेगा ऐसा, ये देखो आपके सामने नेचुरल लुक लग रहा है कि ये इसके अंदर घुस रहा है तीर, बहुत ही बढ़िया भाई साहब। उसके बाद आप ये दूसरी पीएनजी में भी सिंपल जाकर जैसे मैंने बताया था काटम कटाई करोगे, ये को आपने, ये आपने काटनी होगी हल्के हल्के जो लाइनें इसकी आ रही होंगी, तो भाई ये लाइनें काट के मैं बताता हूँ क्या करना है। तो इसकी भी लाइनें कट गई, सिंपली आप इसको छोटा करोगे, छोटा कर देने के बाद आपने इसको कहाँ पर, वो देखो ये पहला फ्लावर आपने जो लगाया था वो अपने सीने के पास लगाया था, देन दूसरा पे आपने एप्स के पास लगाना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम लोगों के एप्स और डोले शोले हों तभी ये पोज खिंचवाओ, लाजमी नहीं है, ना भी हो तब भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। आपने दूसरा एप्स के पास लगाना है जैसे मैंने लगाया सिंपल, ठीक है, गौर से देखना, अगर फ्लावर ऊपर नीचे लगाओगे ना तो फिर हो गई MCBC, हो गई फोटो की। तो यहाँ पर देख लो आपके सामने जब यूँ लगा दिया ये भी लग चुका है, इसके बाद आप वैसे ही रेजर में जाओगे, रेजर में जाने के बाद ऑपोजिट को डाउन करके यहाँ से हल्का हल्का इरेज कर दोगे ताकि लगे कि ये अंदर घुस रहा है फूल जो है। उसके बाद तीसरी पीएनजी कहाँ गई हमारी, यहीं पर तो रखी थी, ये रही तीसरी पीएनजी आ गई, तो तीसरी पीएनजी को भी जाकर हम काटम कटाई कर देते हैं इसकी, जैसे हमने हर पीएनजी के साथ किया है, जो इसके बीच बीच के लम्हे हैं उनको हम काट देते हैं। भाई अगर आप इंस्टाग्राम पर अभी तक आपने एक भाई को नहीं फॉलो किया हुआ तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम पे लिंक मिलेगी, आपने जाकर वहां से फॉलो कर लेना है भाई, बहुत ही बढ़िया एडिटिंग होती है वहां पे, बहुत मजा आएगा। नहीं मजा आया ना तो भाई आके मेरा गिरबान पकड़ लेना, मतलब मैसेज पे आके गालियां दे देना कि भाई ये के भाई मजा नहीं आया तुम्हारी फोटोज देखकर, और तुम बातें तो बड़ी हवाई में जहाज की कर रहे होते हो वीडियो के अंदर। तो यहां पर अब करते हैं, यहां पर हमारी ये पीएनजी भी लग चुकी है, अब इस पीएनजी को कहां पे लगाना है भाई साहब, इस पीएनजी को आपने लगाना है बिल्कुल हाथों के बीच में। यहां पर देखो फिर भी इसके कुछ ना कुछ पार्ट रह गए हैं तो उसको हम इरेज करते हैं। तो भाई ये क्यों है, मैं आपको अलग से पीएनजी बना के दे सकता था, लेकिन ये विजय की फोटो वाली ही है, अलग से पीएनजी फ्लावर की जो है वो मतलब ऐसा लुक नहीं दे रही थी। मैंने काफी ट्राई किया लेकिन वो चीज नहीं आई, क्योंकि वो फ्लावर की जो पीएनजी होती है ना वो थोड़ा यहां पे क्या कहते हैं इधर से थोड़ी ग्रीन ग्रीन होती है, तो वो उसके हिसाब से ये सिस्टम हो रहा था कि हमारा जो बीच का काम था ना वो भी रह जा रहा था, मतलब हाईलाइट नहीं हो पा रही थी वो पीएनजी, असल काम ये हाईलाइट नहीं हो पा रही थी, और ये पीएनजी जो विजय मेहर वाली हाईलाइट थी तभी मैंने बोला कि यार इसी पे कर लो। तो उसके बाद आप सिंपल यहाँ पर ये क्या देखो फ्लावर को आपने रखा यहाँ पर, रख देने के बाद सिंपल थोड़ा सा बड़ा कर दो, उसके बाद आप रेजर में आ जाओ, रेजर में आ जाने के बाद आपने क्या करना है ऐसा लुक देना है कि ये आपके हाथ के पार जा रहा है, तो आप यहाँ से बीच बीच में जो आपका पार्ट आ रहा है हाथ के पास उसको जब इरेज कर दोगे तो आपके सामने ऐसा लगेगा कि ये हाथ के आर पार जा रहा है, देखो बिल्कुल आपके सामने लग चुका है। उसके बाद आपके सामने तीनों चीज़ें हो चुकी हैं, फिर भी इसको आप थोड़ा यूं कर दो, तीनों चीजें हो जाने के बाद आप कर दोगे आप डन। डन कर देने के बाद मैं फ्लावर की यही वाली पीएनजी को दो दफा ऐड करेंगे, क्यों करेंगे बताता हूं आपको। दो दफा ऐड कर लिया, दोनों को मैं जल्दी से काट देता हूं, तो भाई दोनों का मैंने काट दिया, अरे मतलब वो जो लाइनें थी वो काट दी भाई, जो लाइनें थी वो काट दी। अब दोनों का क्या करना है, सिंपल पहली वाली पीएनजी को हम साइड पर कर रहे हैं, दूसरी पीएनजी को आपने लगाना है यहाँ पर हाथ में, मतलब उंगलियों के आर पार ले जाना है, जैसे विजय मेहर के अंदर आपको फोटो के अंदर चीज़ नजर आ रही थी, पीछे बैक के देखो थोड़ा सा इसको बड़ा करो, ठीक है, बड़ा कर देने के बाद हाँ ऐसा लुक सही है, थोड़ा सा छोटा कर देंगे हम इसको, बिल्कुल गौर से देखना जो जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा यूँ करना है, थोड़ा सा यहाँ पे लाना है, फिर रेजर में जाना है, और क्या करना है जो पार्ट आपका उंगलियों के पास हाथ पे आ रहा है उसको आपने सिंपली कर लेना है इरेज, जैसे मैंने यहाँ पर इरेज कर दिया है, बल्कि यहाँ पे आपने उंगलियों के पास से बिल्कुल पार्ट को इरेज करना है और कहीं से नहीं, जैसे ये उंगलियों के पास आ रहा था तो इसको हमने इरेज कर दिया, ठीक है, यहाँ से इरेज कर दिया, इधर से इरेज कर दिया, इधर से इरेज कर दिया, और जो पार्ट उंगलियों के पास नहीं है उसको हमने रहने दिया। तो बिल्कुल आपके सामने हाथ से आर पार तीर लग रहा है, और ये वाला तीर जो है इसको आपने बिल्कुल छोटा कर देना है, और बिल्कुल अपने कंधे के पास लाकर इसको आपने कैसे बिठाना है ये देखो, आपने इसको सीधा नहीं, आपने इसको यूं टेढ़ा कर देना है, ठीक है, उसके बाद छोटा करना है। ये देखो इसकी लाइनें फिर भी रह गई हैं, तो ये लाइनें भाई वीडियो वैसे बहुत लंबी हो गई है, देख लो यार, मतलब टाइम ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। आप डन कर दोगे, उसके बाद आपने क्या करना है छोटा करना है इसको, छोटा कर देने के बाद इसको बिल्कुल लंबा कर देने के बाद आपने अपने यहाँ पर थोड़ा सा इसको यूं कर देना है, अपने बिल्कुल क्या कहते हैं बाजू के पास आपने, कंधे के पास आपने इसको रखना है, और उसके बाद फिर रेजर में जाना है, ऑपोजिट को डाउन करना है जैसे यहाँ पे मैंने बताया था वैसे ही करना है ताकि लगे कि ये इसके अंदर है घुस रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने सारे फ्लावर्स वगैरह ऐड हो गए, अब हम यहाँ पर करते हैं खून का सिस्टम। खून का सिस्टम करने के लिए सिंपल आप आओगे, बिल्कुल गौर से देखना, टूल वाले ऑप्शन में एडजस्ट में आओगे, मतलब बंदे को हम कैसे मारेंगे, अपने कैसे दिखाएंगे बंदा मर रहा है हमारा बिल्कुल ब्रोकन हट होकर गिर गया जमीन पे। तो सबसे पहले तो आप इसकी ब्राइटनेस को कम करोगे, देन कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाओगे, क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ाओगे, सैचुरेशन को फुल माइनस 100 प्लस पे, देन ह्यू वाले ऑप्शन को आपने करना है यहां पर 7% 10% माइनस पे। उसके बाद रेजर में आप आ जाओगे क्लियर, और अब गौर से देखना साइज को कर लेना यहां पर आपने 20%। देन उसके बाद अब देखना मैं कैसे लाइन बना रहा हूं भाई साहब, बिल्कुल यहां से आपने लाइन लेकर चलनी है, यहां पर आपने लाइन को करना है खत्म, ठीक है, गौर से देख लो, फिर मैं आपको बता रहा हूं यहां से लाइन शुरू करनी है, यहां पे कर देनी है आपने लाइन को खत्म। खत्म कर देने के बाद दोबारा मैं बता देता हूँ, फिर गौर से देख लो, यहाँ से लाइन शुरू करनी है, यहाँ पे करनी है खत्म। खत्म कर देने के बाद आपने यहाँ से क्या करना है, फिर एक लाइन शुरू करनी है यहाँ तक,
बल्कि साइज़ को आपने रख लेना है यहाँ पर 14%, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो लाइन शुरू करनी है उसको यूँ रखना है और उसके बाद इसको यूँ टेढ़ा ले जाना है, ठीक है। गौर से देखना बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपने खून का इफेक्ट देना है, मतलब ऐसा लुक देना है कि आपके यहाँ से चड्डी से खून निकल रहा है, आपके फ्लावर से खून निकल रहा है, जो फ्लावर आपके दिल में लगा है, आपके ब्रोकन में लगा है, उधर से खून निकल रहा है, जो आपको छोड़ के चले गए उसके यादों में आपका खून निकल रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, खून ही खून कर करके हमने खून का इफेक्ट दे दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको ये वाली PNG भी याद थी जो हमने ऐड करी थी, तो इस PNG से भी हम यहाँ पे खून निकाल के यूं कर देंगे। गौर से देखा आपने जो मैंने इफेक्ट किया, आपने बिल्कुल गौर से देखा होगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया मैंने कैसे ये सब चीज़ें करी। उसके बाद सिंपली आप क्या करोगे भाई साहब, जब ये सब चीज़ें हो जाएं, ये सब चीज़ें हो जाने के बाद डन कर दोगे। डन कर देने के बाद आपने क्या करना है, अब हम थोड़ी एडजस्टमेंट देख लेते हैं, सब चीज़ें ओके हैं क्या? तो भाई हाँ, सब चीज़ें ओके हैं। फिर भी हम यहाँ पर ब्राइटनेस को इसकी कर रहे हैं तकरीबन 52%, याद रखना ब्राइटनेस है 52%। नहीं करोगे तो फिर फोटो में मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद बाकी सब चीज़ें ओके हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली कर रहे हैं डन। डन कर देने के बाद मैं आपको एक खून की PNG दूंगा जो आपने ऐड फोटो से कर लेनी है ऐड। अब ये हमारी खून की PNG, अब मतलब ये PNG जब लग जाएगी ना, उसके बाद नाकाबिले यकीन आप लोगों को फोटो में फ़र्क नज़र आएगा। तो सिंपल इस PNG को आपने मल्टीप्लाई पे लाना है, ब्लेंड टू मल्टीप्लाई पे लाने के बाद आपने ऐसे बड़ा करना है। देखो ये खून के फुहारे जो बूंदे हैं ना, ये वाली जो बूंद है, ये वाली बूंद, ये वाली जिसमें मेरी उंगली लग रही है इस टाइम पर, ठीक है। बल्कि सॉरी, ये वाली बूंद जो है, ये वाली जिस पे उंगली लग रही है, गौर से देखना, इस बूंद को आपने बिल्कुल अपने ऐप्स के पास रखना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ ऐप्स के पास इस पे ध्यान दो, मतलब आपका एरिया ये वाला है और कोई भी एरिया समझ लो आपका इस टाइम पर नहीं है, इस एरिया पर ध्यान दो। तो यहाँ पर हमने ऐप्स के पास बिल्कुल रख दिया। जब इसको रख देने के बाद सिंपल अब देखना हम रेजर में जा रहे हैं, रेजर में जाने के बाद हमने साइज़ को बड़ा कर लिया और हमने साइड वाइड से सब पार्ट कर लेना इरेज, सिर्फ हमने जो ऐप्स के पास रखी थी ना चीज़ उसको हमने इरेज नहीं करना। अब देखो मैं गौर से आपको करके दिखाता हूँ, जो हमारी चड्डी के पास पैंट के पास पार्ट आ रहा है उसको भी हम इरेज कर देंगे, जो बाहर जा रहा है उसको भी हम कर देंगे इरेज, ठीक है। जो बाहर जा रहा है, जो हाथ के पास ऊपर ज्यादा आ रहा है उसको भी हम कर देंगे इरेज, ठीक है। और यहां से जो बाहर जा रहा है उसको भी हम कर देंगे इरेज, और यहां से जो बाहर जा रहा है उसको भी सिंपली हम कर देंगे इरेज। जब सब इरेज हो गया तो हमारे सामने सिर्फ एक चीज रह जाएगी कि हमारे ऐप्स के पास ये खून का निशान रह जाएगा, ठीक है। तो यही करना था भाई, हमने बिल्कुल यही करना था, हमारे ऐप्स के पास सारे खून का निशान रह गया। उसके बाद आप डन कर दो और उसके बाद आप इसके ऑपोजिट में आओ, ऑपोजिट में आने के बाद इसके ऑपोजिट को डाउन कर दो आप, मतलब तकरीबन इसके ऑपोजिट को आपने कर देना है यहां पर 68 या फिर 65% तक। अब आप फर्क देखो, मतलब कितने अच्छे तरीके से फोटो में, मतलब यहां पर फिर भी आप रेजर में आ जाओ, ऑपोजिट डाउन करके इस ये वाले को थोड़ा सा हमने और माइनस पे कर दिया क्योंकि मजेदार लुक नहीं दे रहा था फोटो के अंदर। उसके बाद आप डन कर दो, आप फर्क देखो, मतलब पहले फर्क देखो और उसके बाद कितने बढ़िया तरीके से, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब ये लग रहा है इफेक्ट असली लग रहा है, बहुत ही आला भाई। यही चीज आपको दिखानी है एडिटिंग के अंदर, तो आपके सामने देख लो, आपके सामने खून का इफेक्ट भी आ चुका है। तो भाई हर चीज आपकी ओके हो गई है, आपका पिक्सआर्ट का काम हो गया है खत्म। फोटो को हम जाएंगे ड्रॉ टूल से कर लेंगे सेव। भाई पहले ही फोटो वीडियो इतनी लंबी हो गई है, अब आप लोग बोलोगे, लेकिन भाई मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं जो है लाइटरूम, वहाँ पे जल्दी से चल के फोटो को कर लेते हैं कलर ग्रेडिंग। हाय भाई, बंदे को मारते मारते तो मैं खुद ही मर गया, मतलब वीडियो इतनी लंबी हो गई है, बिल्कुल अब थोड़ा सा काम रह गया है। सिंपल अब आप गौर से देखना है, यहाँ पर जो मैं बताऊंगा, आप आ जाएंगे एफेक्ट्स में, देन क्लेरिटी प्लस 20-30%, देन टेक्सचर ऑप्शन को आपने बढ़ाना है यहाँ पर 25 या फिर 20% तक। उसके बाद आप आ जाएंगे सिंपल लाइट वाले ऑप्शन में, देन यहाँ पर आपने कॉन्ट्रास्ट को रखना है 6-, देन हाईलाइट्स 38-, देन शेडोज प्लस 20%, देन वाइट्स माइनस 42%, देन ब्लैक्स माइनस 10%। उसके बाद आप आ जाएंगे सिंपल कलर वाले ऑप्शन में, देन टेम्परेचर 2% प्लस, देन ट्रेंड 4% माइनस, ठीक है, ट्रेंड 4% माइनस। और उसके बाद आप आ जाएंगे मिक्स टूल में, मिक्स टूल में आने के बाद रेड कलर की ह्यू जो होगी उसकी ह्यू को आपने माइनस पर ले जाना है 40%। देन उसके बाद आपने येलो कलर में आना है, येलो कलर की ह्यू को आपने बढ़ाना है यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने आना है ऑरेंज कलर में, ऑरेंज कलर के ल्यूमिनस को आपने बढ़ाना है यहाँ पर 10%, देन इसकी सिचुएशन को 2% माइनस पर, देन इसकी ह्यू को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, और कुछ भी आपने यहां पर छेड़म छाड़ी नहीं करनी, डन कर देना है। डन कर देने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे डिटेलिंग वाले ऑप्शन में, यहाँ पे आने के बाद नॉइज रिजन को आपने बढ़ा देना होगा 13%, देन शार्पन को अपने हिसाब से बढ़ा देना, मैंने यहाँ पर 82% रखा है। उसके बाद सिंपली ये स्प्लिट टोन नज़र आ रहा होगा यहाँ पर आने के बाद, आपने ग्रीन कलर में आने के बाद इसको थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर की तरफ कर देना है, बिल्कुल हल्का सा टच करना है, लड़कियों वाला लौंडी वाला टच नहीं करना भाई, बिल्कुल थोड़ा सा टच करना, और इसकी सचुएशन को आपने कर देना है 4%, और कर देना आपने भाई साहब डन। डन कर देने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, कर्व वाले ऑप्शन में आना है, देन यहाँ पर इस वाले को क्लिक सेलेक्ट करके यहाँ से हल्का सा आपने इसको नीचे करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा बीच से बढ़ा देना है और डन कर देना है। डन कर देने के बाद हाईलाइट्स को आपने
आपने और थोड़ा सा कम करना है, यहाँ पर तकरीबन 52%, देन शेडोज़ को आपने यहाँ पर बढ़ा देना है 45% तक, देन वाइट्स को थोड़ा सा कम करना है, ब्लैक्स को फिर और थोड़ा सा कम कर देना है। तो अभी भी आपको फोटो में पहले से ज़्यादा फर्क नज़र आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया, लेकिन अभी विजय महल वाली चीज़ आपकी फोटो के अंदर नहीं आ रही। तो यहाँ से हम डायरेक्ट शेयर कर देंगे इस फोटो को, कहाँ पर भाई, अभी भी थोड़ा सा इफेक्ट रह गया, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको शेयर कर रहे हैं पिक्सआर्ट के अंदर। तो पिक्सआर्ट में इस फोटो को दोबारा खोल लेते हैं आखिरी काम के लिए। इस पिक्सआर्ट के अंदर फोटो आ चुकी है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब आखिरी काम रह गया। सिंपल आपने क्या करना है, विजय महल जैसी फोटो को मिलाना है, तो आप टूल में ऑप्शन में आगे एडजस्ट में आएंगे, देन यहाँ पर आपने ब्राइटनेस को बढ़ा लेना होगा 4%, उसके बाद आपने कॉन्ट्रास्ट को बिल्कुल माइनस पे ले जाना होगा, यहाँ पर 78%, क्लियरिटी को बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाना होगा, सैचुरेशन को आपने माइनस पे ले जाना होगा यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा 4%, फिर रेजर में आगे क्लियर, और उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी फुल बॉडी पर अप्लाई कर देना है इसको। ये टून जो है विजय महल की फोटो के अंदर आज थी, तो यही टून आपको एडिटिंग के बाद नजर आएगी, अगर आप पहले ये टून दोगे तो नहीं आ पाएगी, फुल बॉडी पर आपने अप्लाई करना है, क्योंकि आप नंगे हो तो आपको फुल बॉडी पे अप्लाई करना है। तो मैं जल्दी से अप्लाई करके बताता हूं, फुल पे अप्लाई हो जाने के बाद आपने डन करना है, और यहां पर इसकी सिचुएशन को आके आपने बिल्कुल थोड़ा सा माइनस पे ले जाना है, तकरीबन 4% जो रखा हुआ था, हाँ वही सेट है, और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट पे आना है, और बस पहले आप यहां पर आ जाना ब्राइटनेस में, ब्राइटनेस को आपने यहां पर बिल्कुल 4% बढ़ाना है, सिर्फ 4%, भाई 6% नहीं करना, और कॉन्ट्रास्ट को आपने यहां पर कॉन्ट्रास्ट को जो रखना है वो यहां पर रखना है वही 76%। तो आप देखो पहली बॉडी में और अब की बॉडी में फर्क देखो, कितना ज्यादा फर्क आपके सामने आ चुका है। तो भाई यही चीज विजय महल की फोटो टून के अंदर आ रही थी, की फोटो के अंदर आ रही थी, अब डन कर देंगे। डन कर देने के बाद अभी एक और मतलब फोटो बिल्कुल मजेदार नहीं लग रही, आपने बैकग्राउंड से बिल्कुल फोटो को मिलाना है, तो मैं आपको एक पीएनजी दूंगा जो आपने ऐड कर लेनी है, ऐड फोटो, बस ये आखिरी पीएनजी है। अब आपने क्या करना है, ब्लेंड मोड पे जाने के बाद इसको स्क्रीन पे लाना है, भाई ये बिल्कुल आपकी फोटो को मैच करा देगी बैकग्राउंड से, आपने बिल्कुल अपने पेट के पास इसको यूं रखना होगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे मतलब जैसे सूरज की किरण नहीं पड़ती, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत अच्छे लगेगा ये। उसके बाद आप ऑपोजिट में आके ऑपोजिट को बिल्कुल डाउन कर दोगे, ऑपोजिट को आपने यहाँ पर रखना है तकरीबन 61% तक, तो ठीक है भाई बहुत ही बढ़िया, आप डन कर दो। आप उससे पहले देखो और अब देखो मतलब कितने बढ़िया तरीके से, आप देखो पिक्सआर्ट में पहले देखो और अब की फोटो में बहुत फर्क आ गया भाई, बहुत ही बढ़िया तरीके से फोटो बनी है, अगर आप सब स्टेप फॉलो करते हो आपकी फोटो बहुत ही बढ़िया बनेगी। बाकी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो भाई के भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।